इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का चुनाव प्रचार काशीपुर नगर व ग्रामीण क्षेत्र में बेहद जोर शोर के साथ चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर आगामी अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने का आग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी अकेले ही मैदान में अपने वोटरों के साथ प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि भाजपा अपने दिग्गज मंत्रियों का सहारा ले रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को स्टार प्रचारकों की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर लेकर घर घर जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को खुली चुनौती दे रहा है। आप देखिए, आज इतनी बड़ी संख्या में निरंतर लोग विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस गठबंधन के साथ जनसंपर्क करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश जोशी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल पड़ रहे हैं कि आखिर वो इंडिया गठबंधन के साथियों से मुकाबला किस तरह करें। इसलिए मजबूरी में उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुनाव के मैदान में उतारा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव को हारने की तरफ आगे बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन की चुनौती के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं ठहर रही। उत्तराखंड की जनता और नैनीताल उधम सिंह लोकसभा की जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय प्रकाश जोशी जी, एक युवा चमकता हुआ चेहरा है, युवा शक्ति है। इस शक्ति के आगे अजय भट्ट की शक्ति बिल्कुल नकारा नाकाम हो चुकी है, क्योंकि 5 साल में अजय भट्ट को किसी जनता ने देखा ही नहीं है कि वो क्या रंग है, गोरे रंग के हैं, काले रंग के हैं, किस तरह के हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनका विकास किसी ने नहीं सुना। उनका विकास होता तो आज उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि साहब मेरी गलतियों की सजा मेरे प्रधानमंत्री को ना दें आप। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।